हमारे बनारस काशी के एक विद्वान हुए, कलयुग की बात है, काशी के विद्वान थे वाचस्पति मिश्र, व्याकरण के उद्भट विद्वान थे, जो काशी में रहा होगा उन्होंने उनका नाम सुना होगा, उद्भट विद्वान काशी के थे और व्याकरण के सूत्रों के वे विचार करते करते उनको महीनों बीत जाते, वर्षों बीत जाते, अर्थवत धातु प्रातिपदिकम सूत्र चलता है व्याकरण में, तो अर्थवत धातु प्रातिपदिकम सूत्र के ऊपर विचार कर रहे थे और विचार करते करते उनको वर्षों बीत गया, भूल गए हमारी शादी बीवी थी, एक दिन रात्रि में दिए की बत्ती नीचे को हो गई और पत्नी आई, धीरे से उन्होंने बत्ती ऊपर को करी, वाचस्पति मिश्र ने देखा, कौन हो देवी, इस अर्धरात्रि को तुम मेरे कमरे में कैसे तुमने प्रवेश किया, क्या नाम है, कहां से आई हो, कौन हो, तब पत्नी ने कहा, भगवान आप भूल गए, पतिदेव आप याद कीजिए, इतने वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ था, आपने मेरा पाणी ग्रहण किया था, पाणी माने होता है हाथ और ग्रहण माने ग्रहण पकड़ना, आपसे मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था इतने वर्ष पहले, आप भूल गए, तब वाचस्पति मिश्र ने अपनी पत्नी से कहा, देवी इतने वर्षों से घर में झाड़ू पोछा तुम कर रही हो, कहा भगवान आप जैसा तपस्वी पति मुझे प्राप्त है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, भगवान मैं ही झाड़ू लगा रही हूँ, मैं ही बर्तन धो रही हूँ, देवी तुम अपने मायके क्यों नहीं चली गई, वाचस्पति मिश्र की पत्नी अपने पति के चरणों में गिर पड़ी, रोने लगे, कहा पतिदेव सारे मार्ग बताना, सारे रास्ते दिखाना, पर विवाह के बाद मुझे मायके का रास्ता मत दिखाना, विवाह के बाद मायके का रास्ता मुझे कभी मत दिखाना, पाप है, नहीं जा सकती, अंधे काने लूले लंगड़े चाहे जैसे भी हो, जिसका मैंने वर्ण किया है अब वही इसी की मुझे सेवा करनी है, तो वाचस्पति मिश्र आंख में आंसू आ गए, अपनी पत्नी के ऊपर इतना प्रेम उनको आया, हृदय से लगाया, पत्नी को गले से लगाया और कहा, देवी तुम जैसी पत्नी भगवान सबको प्रदान करे, सबको दे, देवी आज से लोग मुझे जाने चाहे न जाने, लेकिन अब मैं तुमको इस धरा धाम पर अमर करके जाऊंगा, जिस ग्रंथ को मैं लिख रहा हूं, वर्षों बीत गए इस ग्रंथ को लिखते लिखते, अब इस ग्रंथ में मेरा नाम नहीं रहेगा, मैं अपने आप को भूल करके इस ग्रंथ को मैं तुम्हारे नाम से ही प्रकाशित करूंगा। उनकी पत्नी का नाम भामती था और भामती नाम के व्याकरण की टीका आज भी विद्वानों की सभा में अतिशय श्रेष्ठ ग्रंथ है, सजना पत्नी के नाम से उस टीका को लिखा, भामती टीका। काशी में एक सलाका प्रतियोगिता भी होती है, वहां तो एक से विद्वानों की नगरी है, सलाका प्रतियोगिता में किसी ग्रंथ को विद्वान उठा के रखते हैं, एक सलाका उसके अंदर डालते हैं, पन्ने पलटते हैं और आगे का सूत्र बोलते हैं, हजारों की भीड़ होती है, पहला सूत्र बोल देंगे उसके बाद आगे को जो विद्वान होगा शुरू कर देगा, तो उसमें भामती नाम की व्याकरण की टीका भी रखी जाती है, बोले बात भक्त वत्सल भगवान जय हो। तो भगवान की कृपा से कौन सा कार्य असंभव है, असंभव को संभव करना यही तो साधु का काम है, असंभव को संभव करना यही परमात्मा का काम है, भगवान यही तो करते हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, कोई दुख आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, पड़ोसी को बताओ मत, संत और भगवान से छुपाओ मत, भगवान के आगे आओ, कोई संकट आ जाए, धर्मेश्वर भगवान बैठे, भगवान के आगे रख दो, उस बात को रखो। सजनों ऐसी कई कथाएं हैं, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।